बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। क्लास नाइन्थ, आई एम आसिफ सईद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे इज थर्सडे 18th of June 2020। बेटा आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 से है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन का उसूल है कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, या कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं तो फिर पेयर बनाए जाते हैं। आज हम पेयर बनाना सीखेंगे। पेयर कैसे बनते हैं, ये तीन अमाउंट आपके सामने, थ्री अमाउंट्स दी गई हैं। इसकी दोनों साइड वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही रहती है। पेयर जो बनाए जाते हैं वो मिड वाली अमाउंट के बनाए जाते हैं कि उसकी जगह पे दो ऐसे नंबर्स, यानी जिस तरह की अमाउंट है उसी तरह की अमाउंट एक की बजाय दो आएगी, ऐसी आएगी कि अगर उन दोनों को हम प्लस करें या माइनस करें तो सेम ये अमाउंट बने। यहां है प्लस 14x, तो प्लस का 14x आना चाहिए। लेकिन साथ में एक और शर्त भी है, वो शर्त ये है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो जो इन साइड वाली दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाइड करे करके आंसर आए वो बने। यानी दो शराइत पूरी होनी चाहिए कि अगर उन दोनों को प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला बने, बेशक प्लस करें या माइनस, एक दोनों करके देखें, आंसर अगर ये आ रहा है किसी का भी तो आपका पेयर ठीक है। लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाइड करें जो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके आए वही। अगर एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो आपके पेयर गलत है। अब यहां पे देखें 8 + 6 = 14 और x 7 है, ये तो बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें 48 x x के साथ मल्टीप्लाइड होगा। आपको पता है कि जब दो अमाउंट आपस में मल्टीप्लाइड हो तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं। x के ऊपर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, दोनों प्लस हुई तो ये x की 2, यानी 48 x की 2 बन गई। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले साइड वाली अमाउंट को मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उससे क्या पेयर बनते हैं और उस पर पूरा उतरते हैं। जैसे यहां है 48 x की 2, अब हम 48 बन रहा है तो 48 का पहले 2 24 सा होता है, तो 2 और 24 को प्लस माइनस करें ये नहीं आएगा। फिर 3 से करें, 3 16 सा, उसको प्लस माइनस करें ये नहीं आएगा। 16 में 3 प्लस करें 19, माइनस करें 13। उसके बाद 4 12 4 सा, 12 में 4 सा 48 होता है, 12 में 4 प्लस करें 16 बनेगा, 12 में से 4 माइनस करें 8, ये नहीं बनता। उसके बाद 5 के टेबल में ये आता नहीं, 6 8 6 8 48 होता है, 6 और 8 को प्लस किया ये आ गया। जो पेयर दोनों कंडीशन पे पूरा उतरेगा वो हमने पेयर बनाना है। अगला काम वैसे ही है, ये इन दोनों में से कॉमन लिया x, यहां x बचा, यहां पे 8 बच गया, प्लस इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, यहां पे x बचा प्लस 8, ये दोनों अमाउंट सेम है तो ये कॉमन आ गई। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही तो आपके पेयर गलत है। ये दोनों सेम है ये आ गया और x प्लस 6 ये आंसर है। सेम इसी तरीके से हर क्वेश्चन में बेटा पेयरिंग करनी है। अब देखें दूसरे में मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। अब देखें ये है अमाउंट x की 2 प्लस x माइनस 132, इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं, कोई फार्मूला नहीं, तो अब हम क्या करेंगे।
पेयर बनाएंगे। ये देखें मल्टीप्लाइड करके आता है 132x के साइड वाले। अब पेयर बनाना शुरू करें तो ये जो पेयर है 12, 11 या 32, 12 में से 11 गया, x आएगा। आप पेयर बना बना के देखते जाएं, जब 12 आ जाएगा खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 12 में प्लस का है और 11 माइनस का। 12 में से 11 गया, 1x बचा, 1 हम लगाते नहीं है, तो ये x की 2 वैसे ही, यहाँ 12x आ गया, यहाँ 11x और 132 वैसे ही। इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया, 132x स्क्वायर आया, और प्लस माइनस माइनस का 132x स्क्वायर चाहिए, और दरमियान में हमें प्लस का x चाहिए। तो बेटा ये बड़ी अमाउंट प्लस की, इसलिए प्लस आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ x बचा, यहाँ 12। इन दोनों में से माइनस 11 आएगा, यहाँ x बचा, यहाँ 11 12 जा होता है, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए दोनों प्लस के। अब x प्लस 12 कॉमन वो आ गया, और x माइनस 11, ये अमाउंट मैंने पहले भी बताया, इधर आ जाए या इधर आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें दोनों क्वेश्चन में आपने, इसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में आपने बेटा पेयर्स बनाए हैं। पेयर बनाने का तरीका आपने सीखा है, उसको लिखने का, उसमें से कॉमन निकालने का, ये कॉमन कैसे ले, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसका आसान हल ये होता है कि साइड वाली दोनों अमाउंट ये हैं या ये हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके फिर पेयर बनाते जाएं, 2 से शुरू हो जाएं, जो जो टेबल पे आता जाए फिर उनको प्लस माइनस करके देखते जाएं, दरमियान वाला बनता है। जहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं, समझ ले आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें इसका मैंने पहले आपके लिए सेकेंड पार्ट सेलेक्ट किया है। देखिए बेटा ये अमाउंट आपके सामने है, पेयर बनाने का तरीका वही है कि अगर हम साइड वाली दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाइड करें, ये बनता है 450x स्क्वायर। ऐसा पेयर बनाना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, 450x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें, यानी प्लस करें या माइनस करें, 7x आए। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाएंगे, आप साइड पे पेयर बना के देखेंगे, इंशाल्लाह बन जाएंगे। जब भी बड़ी अमाउंट आएगी डायरेक्ट जुबानी पेयर नहीं बनाने, साइड पे सॉल्व कर करके देखते जाना, 2 से पहले 3 से डिवाइड करते जाना 450 को, जहां पे पूरा पूरा डिवाइड हो, और उन दोनों को जिससे डिवाइड हो वो भी, और जो आंसर आए दोनों को प्लस माइनस करें तो मिड वाली अमाउंट बने, फिर हमारा पेयर ठीक है। अब देखें यहां पे जो पेयर बनता है 25x माइनस 18x, अब इन दोनों में से कॉमन बेटा क्या आएगा, 5x, यहां पीछे बचा 6x प्लस 5, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, यहां भी 6x प्लस 5, क्यों, 3 6 18 3 5 15, माइनस वायर है दोनों प्लस के। अगर ये और ये सेम है तो आपका पेयर दुरुस्त है, इन दोनों को कॉमन की सूरत में पहले लिखा, इसको बाद में, इसको इधर या इसको इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब हम आगे इसी क्वेश्चन का मैंने आखिरी पार्ट यानी 8th पार्ट सेलेक्ट किया है। अब देखिए बेटा यहां पे अमाउंट आपके सामने है, अब दोबारा आपके सामने स्क्वायर वाली अमाउंट आ गई, ये बनी बनाई अमाउंट है। देखें 5x माइनस 1 बाय x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 बाय x प्लस 4, ये a स्क्वायर, ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे, ये देखिए फार्मूले में डाल रहे हैं, पहली अमाउंट पूरी की पूरी ए स्क्वायर
और लास्ट वाली अमाउंट बी स्क्वेयर, इसको नहीं देखना। पहले इन दोनों से फार्मूले के जरिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर का अमल करना है, फिर चेक करना है कि ये मिड वाली अमाउंट बनती है। अगर बन जाए तो हमने फार्मूला सही पुट किया, यानी कंप्लीटिंग स्क्वेयर का अमल हमने सही किया है। अब देखें यहाँ पे टू फार्मूले का, टू ए बी जो आता है, ए की जगह पे ये अमाउंट, बी की जगह पे ये, टू टू द फोर ये, और ये देखें ये सेम पूरी आ गई। इसका मतलब है हमारा फार्मूला पुट करना, कंप्लीटिंग स्क्वेयर का अमल बिल्कुल दुरुस्त है। अब बेटा इसको क्लोज करें, यानी कि स्क्वेयर को क्लोज सूरत में हम लिखें। कैसे? ये अमाउंट ए है, ए प्लस ये अमाउंट बी है, उसका होल स्क्वेयर। इक्वलिटी का साइन साथ साथ, इक्वल साथ साथ डालते जाना है। ये साइन डालेंगे तो क्वेश्चन सही है, वरना आपका हाफ मार्क या एक नंबर कट जाएगा। खाम खाम में आते हुए क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटवाने। अब इसका होल स्क्वेयर आ गया, यहां तक क्वेश्चन आपका दुरुस्त है, लेकिन इसको फर्दर ये चूंकि आगे हल हो रहा है, ये पावर टू है ए, हम इसी अमाउंट को दो बार लिखेंगे, ये मल्टीप्लाइड की शक्ल में लिखेंगे, यही अमाउंट यही अमाउंट। अब इसकी पावर भी वन है, इसकी भी वन है, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो बेटा वो वन होती है, ये आपको पता है। अब वन और वन, जब दो अमाउंट आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। वन और वन क्या मिलके बन गई टू, तो ये अमाउंट प्लस होगी, यही आएगा। यहां तक भी दुरुस्त है, लेकिन जहां तक सॉल्व हो सके कोशिश करनी चाहिए। बेटा आज हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टू और थ्री को हल किया। मैंने कोशिश की है कि फैक्टराइजेशन के हर पहलू को आपके सामने लाऊं और हर हर तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट करूं। एक ही क्वेश्चन में कई बार दो दो तीन तीन चीजें आ जाती हैं, कई बार पिछली चीजें आती हैं, एक आज स्टेप नया आता है बाकी पुरानी। तो बेटा ये इसको ध्यान से हल करना है। आज की डायरी ये मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2-3 होमवर्क, यानी के आपके पास क्वेश्चन 2 और 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क है। अब आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो खुद करने हैं। मैं दोबारा कहूंगा बेटा, आप लोग काम नहीं कर रहे, किसी भी बच्चे का 1-2-3 को हर सेक्शन में छोड़कर होमवर्क नहीं आ रहा डेली बेस पे। आप लोग काम करें, उसकी पिक बना के ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया करें ताकि काम चेक हो सके। ये आपके फायदे में है, रेगुलरिटी के साथ करें, वरना सारा जमा होता जाएगा। आप बेशक बहुत सी चीजें देखकर भी करें, देखकर किया हुआ काम भी बच्चों के लिए फायदा मंद होता है। उम्मीद है कि सारे बच्चे टेस्ट भी रेगुलरली जो वीकली होता है करेंगे और होमवर्क भी। ये इंस्ट्रक्शंस मैं रोज दोहराता हूं ताकि बेटा ये आपके काम आ जाएं और आप इनको फॉलो करते हुए अपना काम मुकम्मल करें। तो आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। आज हमने 5.2 का क्वेश्चन 2 और 3 किया, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 1 किया था। आज इन्हीं दोनों क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है क्लास वर्क के अलावा वो होमवर्क हैं। चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ये भी आपने रजिस्टर पे करना है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी करना है। थैंक यू। अच्छा बेटे आगे देखें, इसी क्वेश्चन का जो है हमने फोर्थ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट सिलेक्ट किया है। इसमें अमाउंट जरा और किस्म की है। ये देखें 1-2-3-4 अमाउंट्स है, माइनस आगे 504, ये भी इसी अमाउंट का हिस्सा है। आगे जगह नहीं थी, मैंने यहां पे लिख दी।
अब बेटे सबसे पहले हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया, ये आ गया, इन दोनों को किया ये आ गया -504। फिर x की 2 वैसे ही 5x में से 4x माइनस किया -x, 20 वैसे ही, x की 2 वैसे ही आ गया, 7 में से 6 गया 1 -x, 1 हम लगाते नहीं, 42 वैसे ही -504 आ गया। अब देखें बेटा आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन वाली शक्ल बन गई, ये देखें जैसे ये दोनों अमाउंट सेम थी, ये भी और ये भी सेम आ गई। अगला प्रोसेस वैसे का वैसे ही है, इसको हमने y के बराबर लेट किया। अब देखें बच्चे जब हमने y के बराबर लेट किया तो यहां y आ गया -20, फिर y आ गया -42, -504, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया ये आ गया 504 वैसे ही, y स्क्वायर -42y -20y और +42 × 20 को जब दोनों को माइनस माइनस को मल्टीप्लाइड किया साइन प्लस का, 42 को 20 से मल्टीप्लाइड किया 840 और ये 504 आ गया। अब देखें y स्क्वायर वैसे ही, 42 और 20 ये दोनों जो है माइनस के हैं और माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 42 और 20 62 बन गया, 840 और 504 प्लस माइनस माइनस, 840 में से 504 निकाला 336 आया। अब बेटा इनके हम पेयर बनाएंगे, मैंने आपको बताया था पेयर कैसे बनते हैं, ये है 62, दरमियान में 62 है, दोनों अमाउंट को प्लस या माइनस करें और मल्टीप्लाइड करें 336 आए। यहां पे देखें y स्क्वायर वैसे ही 56 और 6, दोनों को प्लस करें माइनस माइनस प्लस हो गया 62 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे 336 आ गया। अब आपके सामने है इन दोनों में से y कॉमन लिया y -56, इन दोनों में से 6 कॉमन लिया माइनस का y -56, y -56 और y -9, इक्वेलिटी का साइन साथ। अभी बेटा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अभी बाकी है, लेकिन इसका बाकी हिस्सा मैंने आपके लिए छोड़ा है। जैसे ये क्वेश्चन किया ऐसे ही यहां पे दोबारा y की जगह ये पुट करे, x की 2 -x -56 आ जाएगा, x की 2 -x -6 आ जाएगा, फिर इन दोनों के पेयर बनाओगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यानी के ये मैं आपके सामने रिपीट करता हूं बेटा, 4 अमाउंट वाला क्वेश्चन था, 5th अमाउंट ब्रैकेट से बाहर, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया ये आ गया, इन दोनों को किया ये आ गया, ये वैसे ही आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस किया ये आ गया, इन दोनों को किया ये आ गया, बाकी अमाउंट वैसे ही, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, y के बराबर लेट किया, इसकी जगह यहां y लिखा, इसकी जगह यहां y लिखा, ये अमाउंट आ गई ये वाला साथ, वैसे लिखना है इक्वेलिटी का साइन आता जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया ये आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस किया ये आ गया, ये वैसे ही, इन दोनों को प्लस माइनस किया ये आ, अब इनके पेयर बनाए ये आ गया। पेयर बनाने के बाद अब अगेन इसको हमने इसमें पुट करना है, यह काम आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जब बेटे आप इसको पुट करेंगे यहां y की जगह पे x की 2 -x जो हमने रखा हुआ है वो आ जाएगा, जब वो आएगा तो ये बन जाएगा x की 2 -x -56। अब इसके पेयर बनाएंगे, पेयर आपको पता है मल्टीप्लाइड करके 56 x की 2 चाहिए होगा, प्लस माइनस करके 1x, तो 8 7 56 होते हैं, उसके भी बन सकते हैं, बना के देखिएगा।
यहाँ पे x की 2 माइनस x माइनस 6 आएगा, तो बेटा 3 6 2 दा भी 6 होता है, लेकिन 6 1 दा 6 भी होता है। ये अब आप पे डिपेंड है कि आप कैसे सही पेयर बनाते हैं। फिर पेयर बना के दोबारा कॉमन लेंगे x की शेप में, आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर है। आज बेटा डायरी डे नहीं है, इसलिए आज आपको डायरी नहीं मिलेगी। आज की डायरी जो भी काम इसका रह गया है वो कल की डायरी में इंक्लूड होगा। एक बात आखिर में जो हमेशा मैं कहता हूं कि सारा काम साथ साथ करें ताकि आप पे बर्डन ना पड़े। ये काम दोबारा नहीं करवाया जाएगा, रिवीजन सिर्फ करवाई जाएगी टेस्टों की सूरत में स्कूल में, इंशाल्लाह जब हम स्कूल आएंगे। होमवर्क भी आपने किया होना चाहिए, दोबारा नहीं करवाया जाएगा, वही रजिस्टर्ड आपके चेक हो जाएंगे। टेस्ट रेगुलरिटी के साथ दें, प्रीवियस डे टेस्ट था आपका, आपको पता है बहुत कम बच्चों ने टेस्ट सेंड किया, आधे बच्चे भी नहीं है, तो ये काम छोड़ें, साथ साथ काम करें, टेस्ट भी दें, अपनी प्रेजेंट भी लगाएं, और कोशिश करके रोजाना का लेक्चर रोजाना लें और साथ साथ अपना काम मुकम्मल करें। सिर्फ मैथमेटिक्स का नहीं, तमाम सब्जेक्ट का। लेकिन बेटा मैथ में आपको पता है हर हर क्वेश्चन करना पड़ता है, बाकियों में तो रटा लग जाएगा, इसलिए इसका काम जरूर करें। देख के भी करने से आ जाता है, अभी आप घरों में हैं, देख के भी कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रैक्टिस भी जारी रखें, साथ साथ इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम, क्लास 9th, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे इज फ्राइडे 19th ऑफ जून 2020। बेटा आज का हमारा क्लास वर्क एक्सरसाइज 5.2 ही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2-3 किया, उससे पहले 1 भी किया। फैक्टराइजेशन की मुख्तलिफ अकसाम, मुख्तलिफ किस्म की अमाउंट्स यहाँ पे आपको सिखाई जा रही हैं कि कैसे अमाउंट है और उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 में एक नए अंदाज से उसने अमाउंट हमें दी हुई है, ये आपके सामने है, 3 अमाउंट्स के पेयर, फिर इसके अलावा ब्रैकेट के बाहर भी अमाउंट दी गई है। अब देखें यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बन जाएगी, और हमें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए, बेटा ये देखें, इसके दोनों पेयर में पहली 2 अमाउंट सेम है, यहां भी x की 2 प्लस 5x है, यहां भी x की 2 प्लस 5x है। हम इन दोनों अमाउंट को, सेम जो अमाउंट है उसको y के बराबर लेट कर लेते हैं, आप किसी के बराबर भी कर सकते हैं, z के बराबर, वट एवर आपकी मर्जी, a के बराबर, b के बराबर, हम यहां पे इसको y के बराबर लेट कर रहे हैं। अब देखें इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, अब ये जो y की वैल्यू आई है उसको हमने इसके अंदर पुट किया, तो इसकी जगह y आ गया प्लस 4, यहां y आ गया प्लस 6 माइनस 3 वैसी। अब बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड का अमल आप हजार हा बार कर चुके हैं, आपको पता है फर्स्ट अमाउंट पहले फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट अमाउंट सेकंड के साथ, फिर सेकंड अमाउंट फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड अमाउंट सेकंड के साथ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, 4 6 24 माइनस 3। अब देखें बेटा वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 6 प्लस 4 10y, 24 में से 3 माइनस किया 21, प्लस माइनस माइनस
24 प्लस का 3 माइनस का, इसलिए 21 आ गया। इसके बाद देखें बेटा, इक्वेलिटी का साइन साथ चल रहा है, वाई स्क्वायर वैसी। अब पेयर बनाने, पेयर बनाना रहा कल प्रीवियस जो लेक्चर था आपको आया, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। यानी कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है 21 वाई स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 21 जो वाई स्क्वायर है उसको दो हिस्सों में ऐसे हमने तोड़ना है कि ऐसे दो फैक्टर बनेंगे, उनको प्लस या माइनस करें तो ये आए। अब देखें 21 का 3 7 का 21, 7 और 3 को प्लस करें ये 10 वाई आ जाता है। तो इसका तो बेटा बहुत इजी जो पेयर है वो बन गया, लिहाजा 7 y प्लस 3 y प्लस 21। अब इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 7 बच गया, यहां पे प्लस का 3 कॉमन, y प्लस 7 बच गया। अब ये y प्लस 7 यहां आ गया कॉमन की सूरत में, y प्लस 3 यहां आ गया। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि ये अमाउंट यहां और ये अमाउंट यहां आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बेटा, यहां लिखेंगे फ्रॉम वन, वन में क्या है, y की जगह x की 2 प्लस 5x प्लस 7, और यहां पे y की जगह x की 2 प्लस 5x प्लस 3। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके सामने मैं रिपीट कर देता हूं, ये दोनों अमाउंट सेम है, फर्स्ट टू उनको y के बराबर लेट किया, फिर ये आ गया y प्लस 4, ये आ गया y प्लस 6 माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया ये आ गया, इसके पेयर्स बनाए, ये मैंने अभी बताए कैसे पेयर बनाने, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, फिर इन दोनों अमाउंट को लिखा। अब हम ओरिजिनल अमाउंट को लाएंगे, y की जगह पे जो अमाउंट है उसको लेके आएंगे, तो ये बेटा x की 2 प्लस 5x प्लस 7, x की 2 प्लस 5x प्लस 3। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट इस अंदाज से करना है, और इस जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको इस तरीके से फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। ये एक और अंदाज था इसका करने का।